ये BMS डिवाइस है, इसका साइज 8x10 के आसपास है इंचेस में। इसको पावर देने के लिए यहाँ पे अडेप्टर का प्रोविज़न है, ये 12 वोल्ट का अडेप्टर इस डिवाइस के साथ ही आता है। यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, ये GSM के लिए इधर प्रोविज़न दी है। यहाँ वोल्टेज मेजर करने के लिए कनेक्शन है, एक करंट मेजरमेंट का कनेक्शन है, ये रिले आउटपुट है, और यहाँ पे USB है डेटा लॉग फाइल एक्सपोर्ट करने के लिए। ये डिस्प्ले है और नीचे 4 कीज़ दिए हैं। कीज़ और डिस्प्ले से आप कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कर सकते हैं। इसमें अप और डाउन से आप पेज अप और डाउन कर सकते हैं, और AB से आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अभी अप से ये अभी DC वोल्टेज दिखाएगा आपको, जो भी कनेक्टेड DC वोल्टेज है। ये DC एम्पेयर दिखाएगा, ये है वोल्टेज लो सेट और ये वोल्टेज हाई सेट। वोल्टेज लो और हाई इसके बीच में अगर वोल्टेज रहेगा तो वो हेल्दी कंडीशन है, उसके नीचे या फिर ऊपर जाएगा तो वो अलार्म कंडीशन आ जाएगा। इसको आप ए और बी से चेंज कर सकते हैं ऐसा। ये वोल्टेज का हो गया। उसके बाद करंट, करंट लो सेट करना है, करंट हाई सेट करना है। उस विंडो के बाहर अगर करंट जाएगा तो वो अलर्ट सेट आ जाएगा। उसके बाद ये एक्सपोर्ट टू PDA है, जो भी डेटा लॉग होगा वो आप पेनड्राइव में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पेनड्राइव लगाना है और एक्सपोर्ट करने के लिए ए प्रेस करना है। पेनड्राइव नेम इज़ प्रिसाइज, जो पेनड्राइव का नाम है वो आ जाएगा और जो फाइल सेंड की है उस फाइल का नाम भी आ जाएगा। उसके आगे मोबाइल नंबर आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं ए और बी के हेल्प से। ये शिफ्टिंग है और ये अप एंड डाउन है, तो इस तरह से ये मोबाइल नंबर चेंज होता है। उसके बाद मैक्सिमम 5 मोबाइल नंबर आप एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद मेल आईडी है, मेल आईडी आप 5 एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल अलर्ट भी है इसमें। मेल आईडी आपको सॉफ्टवेयर से एंट्री करना होगा, यहाँ से एंटर नहीं होगा। और ईमेल अलर्ट ओवर द वाईफाई जाता है, ओवर द सिम नहीं जाएगा। ये लॉक फ्रिक्वेंसी है, मतलब किस फ्रिक्वेंसी से डेटा लॉक करना है, ये आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद एक वोल्टेज कैलिब्रेशन कर सकते हैं, यहाँ से करंट का कैलिब्रेशन कर सकते हैं। जो भी सिम कार्ड डाला है उसका ऑपरेटर यहाँ दिखेगा, उसका कवरेज अभी 45% उसका रेंज है।